छः बज चुके हैं, टाइम हो गया है 6:05 और अब निकल रहे हैं हम देहरादून से। और सबसे पहला काम है फ्यूल अप करवाना, रुद्रा को ज़रा तेल पिला दिया जाए क्योंकि ये भूखा रह गया ना तो ये चलेगा नहीं। कोई है नहीं क्या? HP का सस्ता है भाई, 90 रुपीज़ पर लीटर फुल करना है। एक मिनट थोड़ा ना उसको पंप उठा के डालना है, ये नहीं तो बाहर निकल जाता है इससे तेल। उठा के डालना थोड़ा, उस पर दबा के नहीं, 950 कर दो बस 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 950 कर दो, आ जाएगा। तो अभी अभी आ यार क्या मस्त जा रही, देखो चिड़ियों का झुंड, ये देखो ये देखो देखो, वाह। तो अभी हमने क्रॉस किया है बिहारीगढ़ और अब यहाँ से शुरू हो गई है फॉग। इससे पहले फॉग नहीं थी मतलब। अरे क्या प्यारे आ रहे यार, ओए क्या प्यारा नज़ारा हो रखा। तो यहाँ से हो गई है फॉग शुरू एंड आई गेस सहारनपुर क्रॉस कर रहे थे कि फॉग हमें मिलेगी। बस जितनी अभी है ना इतनी फॉग रहे तो बहुत अच्छा है क्योंकि अभी रोड की विजिबिलिटी जो है ना वो प्रॉपर मिल रही है, अच्छे से दिख रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी फॉग रहे तो अच्छा है, ज़्यादा भयानक वाली फॉग ना आए बस। वैसे तो ठंड कम हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब ज़रा नेविगेशन लगा लेते हैं 2 मिनट रुक के, क्योंकि यार इसके आगे ना हम हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं ना हम हर बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ से कहाँ मुड़ना था, क्योंकि यहाँ से एक टर्न आता है जो मुजफ्फरनगर होते हुए निकालता है, मुजफ्फरनगर या मेरठ होते हुए। तो भाई यहाँ से नेविगेशन लगाया जाए फिर से हम आगे, मतलब करीब पिछली बार 100 किलोमीटर आगे चले गए थे ज़बरदस्ती के। तो हमें जाना है करोल बाग, करोल बाग डाल दिया स्टार्ट। तो अभी दिखा रहा है 3:44 पे पहुँच जाएंगे हम करोल बाग, 219 किलोमीटर दूर है यहाँ से। देखो देख लो, देख रहे हो गाइस, दिख रहा अगर आपको अच्छे से क्लियर, ठीक बस आने ही वाला है वो मोड़, और मेरे ख्याल से यही है आने वाला है और बिल्कुल सही स्पॉट पे लगाया हमने। नहीं तो याद है लास्ट टाइम यहाँ से आगे निकल गए थे हम, फिर पूरा पीछे आए थे भाई हम, यमुना नगर पहुँच गए थे। हेलो मैडम जी, क्या हाल है? ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि अभी ना बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी वाला फॉग था और बहुत ठंडा हो रहा था। अभी तो धूप आ भी गई पर और आप लोग ऋषिका जैसी गलती मत करना। मैंने ऋषिका को बोला था कि नीचे भी रेनकोट डालो, लेकिन मैडम ने नहीं डाला, तो अभी नीचे का लोअर पूरा भीग गया है और ठंड लग रही है और ज़्यादा। ऊपर डाल लिया था तो अच्छी बात है। बाकी अभी धूप में कुर्सियाँ लगवाई है दो, हमने ब्रेकफास्ट करने रुके हैं क्योंकि थोड़ा ठंड लग रही है, क्योंकि फॉग से भीग गए हम। बाकी तो ये रहा अपना रुद्रा भाई, मजा आ गया इसको भगा के हाईवे पे। जो भी लास्ट में फॉग क्लियर होने के बाद जो मैंने बाइक भगाई है ना, मज़ा आ गया बिल्कुल ज़बरदस्त वाला। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, रेडी मैडम चलें। तो अभी दिखा रहा है यहाँ से 3 घंटे लगभग लगेंगे, 150 किलोमीटर और है दिल्ली, और अभी हम लोग हैं मुजफ्फरनगर में। चलो जी चलो चलते हैं फटाफट दिल वालों के शहर दिल्ली, आ रहे हैं हम दिल्ली। चाबी कहाँ है? डाल दी है क्या चाबी? वो पॉइंट जहाँ से हमें टर्न लेना है। अब क्या हुआ? जी सर दिल्ली किधर से आना है सर? फिर किधर से? यहाँ से पीछे। तो अब घुमाए कहाँ से बाइक? ये जाता है रास्ता, क्या दिक्कत हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वापस भेज दिया गया है हमें, और गाड़ियों को तो जाने दिया जा रहा है पर पता नहीं अपनी गाड़ी क्यों नहीं जाने दी, या तो शायद बाहर की गाड़ियों को रोक रहे हैं, DL की गाड़ियों को एंटर करने दे रहे हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाएँ किधर से जाएँ। तो यार अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है बहुत बड़ा वाला, पता नहीं क्या सीन है कहाँ से जाना है हमें तो समझ नहीं आ रहा भाई, और रास्ते तो यहाँ के याद है नहीं हमें। तो अभी हम लोगों को गूगल मैप्स ले जा रहा है गाज़ियाबाद की तरफ, बीच में से गांव वगैरह में से डाइवर्ट करके, और ये देखो गौ माताओं का झुंड। बस यार सही जगह निकाल दे, बेवकूफ़ ना बनाइए हमारा और कुछ नहीं। मेरे तो समझ नहीं आ रहा हमें वो फ्लाईओवर से क्यों डाइवर्ट किया गया, अगर वहाँ से डाइवर्ट ना करते ना अभी तक पहुँच भी जाते, फालतू में टाइम बढ़ चुका और कुछ नहीं। बस अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ ये जिस रास्ते से हम ले जा रहा है गूगल मैप वो रास्ता ठीक हो और कुछ नहीं।
भयंकर ये जगह तो मस्त ही लग रही है, ऐसा लग रहा कहीं पर ना जंगल सफारी कर रहे होंगे। बड़ा सुंदर से लग रही है जगह, बगल में मस्त नदी चल रही है हमारे सामने, हरे भरे कितने प्यारे पेड़, पूरी मतलब पूरी रोड पे छाँव है, इतना सुंदर सा लग रहा है, इसलिए थोड़ा मूड सा ठीक हो गया मेरा अभी। नहीं तो मेरा भाई दिमाग घूम गया था कि यार ये कहाँ फंस गए हम फिर से। हर बार पता नहीं क्यों हो जाता है, जब गूगल मैप से बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा ना पुलिस वाले ने डाइवर्ट करवा दिया रास्ता। दिल्ली पहुंचने से आसान था ना, मुझे उमरिंगला जाना लगा था जहाँ कोई मैप नहीं चल रहा था, ना कोई जगह था, ना कुछ रास्ता, ना कुछ। भाई ऐसी ऐसी जगहों में अभी हमने चला लिया ना, उमरिंगला वाली फील याद आ गई मुझे, पूरी उमरिंगला वाला फील आ रहा है, दिमाग खराब हो गया है। रोड भी इतनी चौड़ी थी वहाँ, इस टाइम बहुत गंदा वाला दिमाग खराब हो रहा है, मतलब इस गूगल मैप को चाहिए क्या। और अभी भी बहन शर्म नहीं आ रही इसको कि भाई जिस रास्ते पे मैं देख के आया पीछे ना पूरा बंद है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस रास्ते पे उधर आगे जाने बोल रहा हूँ, और चाहता क्या है। मैडम को अलग जोश आया, मैडम चढ़ गई। हाँ तो आओ है, आ रही है। हमें हाईवे मिल चुका है, ऋषिका जी ने भाई ऊपर चढ़ के ढूंढा, भाई रास्ता मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है मुझे। मतलब सोचो जब हम देहरादून से निकले थे ना, और उसके बाद फिर जब ब्रेकफास्ट करने रुके थे तो दिखा रहा था टाइम 10:30 हम पहुंच जाएंगे करोल बाग, और अभी देखो 11 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं पहुंच पाए हम, और अब यहाँ पे दिखा रहा है 11:44, मतलब 12 बज जाने हमें पहुँचते पहुँचते। तो ये जो फालतू का पता नहीं क्या ये डाइवर्ट करवाया उन लोगों ने, क्यों करवाया पहली बात तो, ऊपर से ये गूगल मैप पता नहीं कहाँ घुसेड़ देता है, फिर घुसेड़ देता है। तो भाई साहब चलो यार अब जल्दी पहुंचा जाए करोल बाग, टहलते हैं अपने रुद्रा को। पहुंच गए हैं करोल बाग और अभी जा रहे हैं हम बीकानेर वाला पे। और पक्का ना भैया यहीं पे आप ही हो ना यहाँ पे? नाम क्या आपका? रंजन नाम है भैया। रंजन, अच्छा भैया। तो क्या हाल है ऋषिका जी आपके? सब बढ़िया? एक इशारा कर दो बस, कैसा हाल है? मैं कभी बिलियन नहीं बनूंगा आज। थम्स डाउन मतलब बहुत बुरे हाल हो गए। मैं कभी बिलियन नहीं बनूंगी, कभी भी नहीं लाइफ में, पता चल गया। क्योंकि मैं ड्यूक लाना पसंद करूंगी पर मैं बिलियन नहीं बनूंगी। तो अभी मैं खा रहा हूँ पनीर टिक्का सैंडविच, ऋषिका ने वेज सैंडविच खा लिया, और अभी हो रही है हालत हमारी थोड़ी सी ख़राब, तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, आधा घंटे का रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे किसी बाइक एक्सेसरी शॉप पे और आपको बताएंगे फिर क्या होता है क्या नहीं। बाकी मैं सोच रहा हूँ आज का ब्लॉग अभी यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं कहाँ गए और क्या किया हमने। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून। और गूगल देवी धोखेबाज है, गूगल देवी धोखेबाज है, गूगल देवी बेवफा है।